तो जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिंग फीवर चैलेंज। तो आज मैं इस गेम की जो फ्री वर्जन है इसका, इस गेम की टॉप गाड़ी है ये मेरे पास, तो इसके साथ मैं चैलेंज करूंगा लोगों के साथ। तो पूरी दुनिया में देखते हैं कौन कौन मेरे साथ चैलेंज करता है। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे किंग्स से। तो इसकी बैट जैसा कि आप देख रहे हो 50,000 की बैट है, और विनर को मिलेंगे 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो मैं खेल रहा हूँ पाकिस्तान से, तो अब देखते हैं कौन से मुल्क से कोई मेरे साथ खेलेगा। दोस्तों, ये ऑनलाइन गेम चल रही है, तो अगर आपको भी चैलेंज करना होगा किसी के साथ तो ऑनलाइन चैलेंज कीजिएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन के लिए सिर्फ आप, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स से हैं जेक, तो इनके साथ चैलेंज है मेरा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जो बंदा शुरू में थोड़ा सा आगे निकल जाता तो उसके 10-20% जो चांस होता है ना जीतने का, वो ज़्यादा हो जाता है। अब देखो, अब मेरा चांस हो गया है 20% कम, और अभी हमने 2 किलोमीटर ही तय किया है, तो मेरी टक्कर हो गई है दोस्तों। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इस गेम में, ये जो मैंने मैक्सिम बैट की गेम लगाई है, इसके अंदर 10 किलोमीटर का मैं फासला तय करना है। जो पहले फासला तय कर लेगा वो जीत जाएगा। तो फोकस आपने अपना गेम के ऊपर रखना, फोकस यहाँ से वहाँ हुआ। अगर आपने स्पीड भी देखी जो बना खेल रहा होगा तो समझो वो गया, ये जैसे मैं गया हूँ। और आगे देखें गाड़ियों का कोई काफला जा रहा है, बीच में कोई वो गैप ही नहीं देते ये कभी कभी। तो कोशिश करेंगे अगर रफ्तार को तेज़ करें अपनी, और ये चैलेंज को जीतने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपको दिखा सकूँ कि प्रो प्लेयर कि कैसे खेलते हैं। दोस्तों, 150 की स्पीड है अभी मेरी, 150 से मैं तजावज कर रहा हूँ कि जो इस गाड़ी की जो मैक्सिमम अभी मेरे पास स्पीड है वो 250 तक ये जा सकती है बगैर नाइट्रो ऑक्साइड के। जैसे ये मेरे से आगे निकल गया गाड़ी। तो दोस्तों, अब क्रिटिकल हो गया मुकाबला, अब बात कम और काम ज़्यादा करना पड़ेगा मुझे। तो मैं गया मैं लो, ये तुम सबसे बात करने के चक्कर में मैं रेस हार गया। इसके साथ रीमैच लगाएंगे, ठीक है। ये लो, जो हम पैसे हारे हैं वो इसे वापस लेके छोड़ेंगे, क्योंकि भाई यूएस का बंदा है, उसके बाद ज़्यादा ही पैसे होंगे, हम तो गरीब बंदे हैं। लेकिन अब तुम लोग थोड़े से गेम पे फोकस करो। ओ भाई, उसकी तो स्पीड ही बड़ी कमाल है, तेरी वो तो नज़र ही नहीं आ रहा जितनी स्पीड से जा रहा है। मेरी 250 की स्पीड है तो उसकी कितनी होगी। अब एक टक्कर ही बचा सकती है मुझे उसकी, जैसे ये अब उसकी टक्कर हुई है और ये मैं इसके आगे निकल चुका हूँ। लेकिन जिसने भी गाड़ी को संभाल लिया समझो वो जीतेगा। फोकस गेम पर होना चाहिए, अब ये 10 किलोमीटर मैंने तय करना है। ओहो, ये बटन नहीं मेरे से दब पाया, फोकस मेरा पूरा था। कम ऑन, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। ओ माय गॉड, ये जेब में जले के बैठ गए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताते हुए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि ये गेम भी मैं हार जाऊँगा। क्योंकि हमारे बीच में भी 1 किलोमीटर का वाया, ये देखो ये हार गया ना मैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम लगा देते। लेकिन अब मैं बड़ी नहीं लगा सकता गेम, तो अब मैं लगाऊंगा 20,000 रुपये भी, ताकि मैं जो है 46,000 है, तो 50 वाली तो गेम लगाने से रहा मैं, 26 की लगाता हूँ ताकि कुछ पैसे अर्न हो, मैं फिर बड़ी को गेम लगा सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने इसकी गाड़ी को पूरा अपडेट नहीं किया हुआ, अपग्रेड नहीं करवाया हुआ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मसला हो जाता है दूसरे के रिश्वत।
दोस्तों देखते रहो गाड़ियों को, वो मुझे बताते जाना है कि मैंने कहाँ से टर्न देना चाहिए। तो आपकी जो फिंगर्स हैं उनका बड़ा कमाल है, जैसे ये मैंने आपको दिखाने के लिए भी टक्कर अपने लिए है, फिंगर्स का बहुत ही कमाल होना चाहिए। अब ये फिंगर्स का कमाल देखो और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये गेम तो मैं जीत लिया, समझ रहे हो दोस्तों। वो मैं क्या करने के लिए कोई गलत था, लेकिन उसका फिर एक्सीडेंट हो गया और मैं दोबारा से फुल स्पीड पर आ चुका हूँ। तो अब मुझे रफ्तार के साथ साथ एक गाड़ी को भी संभालना है, जैसे ये देखो इतनी तेज रफ्तार होगी उतनी ही आपकी जान को अजाब होगा। दोस्तों कोशिश मेरी पूरी है कि ये वाली मैं गेम जीतूं, ताकि इंशाल्लाह ये मैं जीत करूँगा और ये मैं जीत गया। तो यूएस के बंदे ने मेरे से दो गेम जीती थी, तो अभी मैंने यूएस के बंदे को ही हरा दिया, ठीक है। अभी उसने मेरी कर दिया रिक्वेस्ट रिजेक्ट। तो दोस्तों मेरे पास 66,000 है, तो मैं अगर 50,000 वाली गेम लगाऊंगा बाकी मेरे पास बचेगा 16,000, तो लगा लूँ कि नहीं लगाऊँ, चलो लगा लेते हैं। अभी आर्या पार का सीन है, तो बेलारूस का कोई कुकी जेनर है, तो ये मैं गया दोस्तों। अगर ये गेम मैं हार गया तो समझो मेरे पास से सारा मेरा पैसा चला जाएगा, फोकस गेम के ऊपर होना चाहिए आपका। ये गेम के बाद आपने मेरे से कोई बात करनी है, क्योंकि ये आ रही पार लगा हुआ है मेरा, फुल रफ्तार में जा रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा कि उसको थोड़ा सा डिस्टेंस दे सकूँ, थोड़े फासले पे उसे रखूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा जो है अगर मेरी दोबारा से एक्सीडेंट होता है तो मैं उससे आगे निकल सकूँ, या मेरी गाड़ी तब तक रफ्तार पकड़ सके जब तक वो नहीं आ जाता पीछे। अब मैं देख रहा हूँ जैसे मैप के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत स्पीड ही मेरे पीछे आ रहा है दोस्तों, तो मुझे भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओ यार अगर आपसे नहीं है, कमोन 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 फ्रेंड्स, ये गेम बहुत ही क्रिटिकल हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने भी थोड़ा सा फासला उसको डाला है, लेकिन अब ये मुझे डाल देगा फासला, वो बहुत ही स्पीड से आ रहा है मेरे पीछे से। लगता है यार ये पार वाली गेम तो मैं हारने लगा हूँ, फ्रेंड्स सब दुआ करो और ये मैं जीत गया। ओ माय गॉड, तो दोस्तों यार ये पार वाली जो गेम थी मैं बेलारूस के कुकी जेनर से जीत चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे रीमैच लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो चला जा चुका है, तो दोबारा मैं चैलेंज करूँगा कि कोई बंदा आए। अब ये जो फिलीपीन का एरविन अयूबेन है, तो इनके साथ देखते हैं कि ये मुझे जीतने देते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड जैसा कि नाइट्रो मैंने सारा ख़त्म कर दिया, और अब आँखें आप जो हैं स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए स्पीड को मेजर करने के लिए। अब यार दोस्तों इंसान ठीक जा रहा था, लेकिन जो प्रेशर पड़ता है ना इंसान के पास, मैं आपको बताऊंगा प्रेशर किस चीज़ को कहते हैं, कि प्रेशर है कि अगर आप फुल स्पीड में कंट्रोल कर रहे हो, आप एक गाड़ी से बचते हो लेकिन आगे दूसरी गाड़ी आई थी लेकिन आपके हाथ नहीं चल पाते, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी गाड़ी को एक लाइन में रखने की, और
जैसे ये प्रेशर, इस प्रेशर की मैं बात कर रहा था, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने उसको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस डाला हुआ है, 2 किलोमीटर पीछे है वो मेरे से। डिफेंस क्रॉस फिंगर्स होने चाहिए, तमाम लोग क्रॉस फिंगर्स होने चाहिए भाई, वो मेरे आगे ना निकल जाए। कम ऑन यार दोस्तों, फ्रेंड्स बचा लो ये। तो जैसा कि तुम सब ने देखा कि मैं 2 गेम्स हारा था, 2 गेम मैं जीता हूँ, फिलीपीन के बंदे से मैं जीत गया, वो उसने अभी तक अभी गेम रेस अपने कंप्लीट नहीं की, लेकिन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखते हैं क्या वो मुझे दोबारा चैलेंज करता है या वो रिजेक्ट कर देता है। वो रिजेक्ट कर दिया उसने मेरी रिक्वेस्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो यही है, तो कल दोबारा से चैलेंज करूँगा, फिर से आपको दिखाऊँगा कि कैस किस तरह मैं अपने पॉइंट्स को ज़्यादा करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गुड बाय।